जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनपी धमाल के इस प्यारे प्यारे से ब्लॉग में। देखिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसा। आज हम लोग आए हैं झूर कबारने के लिए, जिसको मतलब कि हर गांव में हमारी बहनें पूजा करती है झूर बाबा। आप देख सकते हैं हम लोग आए हैं यहाँ बधार में, कितना सुंदर दृश्य है, कुछ कितना सुंदर नज़ारा है आप देख सकते हैं। और देखिए ये बच्चा कबारते हुए झूर, ये देखिए आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये देखिए यही होता है झूर, जिसको आज हमारी बहनें पूजा करती है, व्रत रखती है, फास्टिंग करती है, उसके बाद पूजा करती है, फिर जो है बासी भात चावल के साथ दही में डाल करके खाती है, और कर्मी का साग के साथ खाती है। आप देख सकते हैं, देखिए ये है झूर, जिसको आज सभी बहनें फास्टिंग करके पूजा करने के उपरांत खाती है। देख सकते हैं ये कबार रहे हैं बच्चे लोग, और कबार करके हम लोग घर लेके जाएंगे। देखिए देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य, इधर हरियाली प्रकृति का सौंदर्य आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर है, इधर हम लोग आए हैं। और देखिए आप देख सकते हैं कितना ये धान का फसल है, जिसमें पैर जो है इतना पानी में, देख सकते हैं इतना इतना पानी में डूब रहा है, और हम लोग इसी में मजे करते हुए आए हैं। देखिए डर भी लग रहा है, ऐसा नहीं है डरते डरते, और ऐसा हो गया है ये जो होता है यार, ये चलने लायक भी नहीं रहा। देखिए इस पर हम लोग चल करके आए हैं, आप देख सकते हैं धुंधला धुंधला सा ये मौसम, बादल छाए हुए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को हम सब ब्लॉग के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ों को दिखाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यही होता है झूर का पौधा, किसी को स्त्री मतलब कि हमारी बहनें फास्टिंग के तौर पर, कहा जाता है कि भाई के लिए ये व्रत बहनें फास्टिंग रखती है, ये व्रत रखती है अपने भाई के लिए, फास्टिंग करने के बाद खाना खाती है। इसी के लिए हम लोग अपने घर से 3 किलोमीटर ढाई 3 किलोमीटर दूर चल के आए हैं, और ये पौधा देखिए कबर गया, ये झूर कबर गया, देख सकते हैं कबर गया। देखिए दोस्तों कबर गया ये झूर, और हम लोग देखिए ये तीनों साथ में हमारे मित्र सहित मित्र जैसे हैं ये सब बच्चे, देख सकते हैं। चलो चल जा, देखिए धो देवे के करके धो देवे के धो दो जाए, ये पानी बस धोआ जाना इसे धो जा। देख सकते हैं दोस्तों इतना बड़ा झूर हम लोग कबार करके ले जाएंगे और घर, और शाम को पंडित जी आएंगे, इसके बाद में हमारी बहनें जो हैं लड़कियां जो भी फास्टिंग की होगी आएगी पूजा करेगी, और इसके बाद में घर जाएगी, फिर वो जो होता है चावल के साथ दही, बासी दही और चावल, जैसे कि होता है बासी भात और दही के साथ और कर्मी का साग मिला करके इसको खाया जाता है, मतलब कि चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है इसमें, वही मतलब कि होता है, आप समझ रहे हैं। हमको देख सकते हैं ये कबर गया है,
और इसमें बोला जाता है, इसको देख सकते हैं आप, ये है जो फूल, इसका फूल जो है इसको पकड़ करके जुड़ाया जाता है। वैसे पंडित जी करते हैं कैसे कैसे, जुड़ाई लू बार पकड़ के कैसे कैसे किया जाता है आप देख सकते हैं। हाँ, ये एक मतलब कि अद्भुत, क्या कहिएगा हमारे गांव का ये रीति रिवाज है, मतलब कि बहने हमारी भूखती है ना, फास्टिंग करती है, आप देख सकते हैं। ये हम लोगों का झुर कबर चुका है, अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम बांधेंगे अच्छा से, बांध करके घर लेके जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब से खूब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे एनपी धमाल के इस प्यारे प्यारे से ब्लॉग में, ताकि हम ऐसे ऐसे ही ब्लॉग लेकर आते रहते हैं। और वीडियो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद, टाटा, जय हिंद, लाइक कर दीजिएगा।